तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत में ही मैं बता दूं कि Redmi 13 5G का कैमरा नथिंग ZM फोन 1 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बेकार है। और ये कितना बदतर कैमरा है Redmi 13 5G का वो वीडियो में आपको आगे पता चल ही जाएगा। सबसे पहले अगर कैमरा फीचर्स की बात करें तो दोनों में ही पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलता है, इसके अलावा नाइट मोड आपको दोनों में देखने को मिलेगा। ZM फोन 1 में आपको स्लो मोशन का फीचर भी देखने को मिलता है जो कि आपको Redmi 13 5G में देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो फोन 1 से आप 4K तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30fps पर और 60fps पर फुल HD तक का, जबकि Redmi 13 5G में आपको केवल 30fps पर फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग का ही सपोर्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ वीडियो के अंदर मैं कुछ बोलूँ या ना बोलूँ आप खुद भी जज कर सकते हो कि इन दोनों डिवाइस में से किस डिवाइस का कैमरा किस कंडीशन में कैसा परफॉर्म करता है। जैसे कि शुरुआत के इन फोटोज़ को देखें तो शैडो फ्री फोटो यानी कि डायनेमिक रेंज आपको ZM फोन 1 में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू Redmi 13 5G। और ये थोड़ी सी चैलेंजिंग लाइटिंग कंडीशन है, यहाँ पर धूप होने की वजह से Redmi 13 5G का फोटो एकदम ही थोड़ा सा अजीब सा शो होता है। इसके अलावा अगर कलर टोन की बात करें तो उसके सामने भी Redmi 13 5G के फोटोज़ ZM फोन 1 के सामने थोड़े से वॉश आउट से नज़र आते हैं, और ZM फोन 1 में आपको थोड़े से पंची कलर्स देखने को मिलते हैं जिस वजह से फ़ोटो थोड़े से ज़्यादा एट्रैक्टिव नज़र आते हैं। डिटेलिंग के मामले में भी फोन 1 Redmi 13 5G से बेहतर है, हालांकि कुछ कंडीशन में मुझे Redmi 13 5G भी बेहतर लगा, बट ऑटो मोड पर ओवरऑल परफॉर्मेंस में ZM फोन 1 ज़्यादा बेहतर है। और 108 मेगापिक्सल का यहाँ कोई खास बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ऑटो मोड पर आपको दोनों से ही आपको 12 मेगापिक्सल का ही फोटो देखने को मिलता है। रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हो, मेरे बिना कुछ बोले आप खुद भी जज करिए कि आपको इनमें से कौन सा पोर्ट्रेट मोड ज़्यादा पसंद आता है। स्किन टोन की बात करें तो Redmi 13 5G में आपको बड़ी अजीब सी स्किन टोन शो होती है, एकदम काली काली सी स्किन टोन शो होती है, बड़ा अजीब सा फोटो आपको बना देता है, जबकि सेम कंडीशन में ZM फोन 1 काफ़ी अच्छा पोर्ट्रेट मोड देता है। हालांकि ये एक आइडल सिचुएशन नहीं है पोर्ट्रेट मोड के लिए, तो ZM फोन 1 भी उतना बेटर परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन फिर भी दोनों को कंपेयर करें तो फोन 1 यहाँ बहुत बेहतर है। एज डिटेक्शन हालांकि दोनों का काफ़ी कमाल का देखने को मिला, Redmi 13 5G में आपको डेप्थ सेंसर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उसका कोई खास फर्क यहाँ नहीं पड़ेगा। नाइट मोड की बात करें तो वहाँ भी ZM फोन 1 Redmi 13 5G से बेहतर है। जैसे कि आप इन दोनों फोटो को देखो तो एकदम शार्प फोटो नज़र आती है ZM फोन 1 की, एक एक चीज़ें डिटेल्स इतनी बेहतर नज़र आती हैं, जबकि Redmi 13 5G उतना बेटर परफॉर्म नहीं करता है। और रियर कैमरे की बाकी चीज़ों की तरह फ्रंट कैमरे पर भी देख सकते हो, फ्रंट कैमरे में भी ZM फोन 1 यहाँ Redmi 13 5G को बीट करता है। ना तो स्किन टोन आपको Redmi 13 5G के फोटोज़ में या फिर सेल्फी में बहुत बेहतर देखने को मिलती है, और ना ही डिटेलिंग उतनी अच्छी देखने को मिलेगी। इसके अलावा फ्रंट कैमरे के और पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो वहाँ दोनों का ही एज डिटेक्शन थोड़ा सा एवरेज देखने को मिला। ब्यूटी इफेक्ट भी मुझे ZM फोन 1 का यहाँ ज़्यादा बेहतर लगा एज़ कम्पेयर टू Redmi 13 5G, यानी कि रियर और फ्रंट दोनों ही कैमरे में यहाँ ZM फोन 1 बहुत बेहतर हैं। फोटोज़ के साथ साथ अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो वहाँ भी ZM फोन 1 Redmi 13 5G से बेहतर है, क्योंकि आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है रियर कैमरे के लिए, 60fps का सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि Redmi 13 5G में नहीं है, साथ ही साथ स्लो मोशन का सपोर्ट भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर वीडियो स्टेबलाइजेशन की बात करें तो वो भी आपको ZM फोन 1 में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू Redmi 13 5G, यानी कि अगर इन दोनों डिवाइसेस को आपस में कंपेयर करें तो Redmi 13 5G कहीं भी ZM फोन 1 के बराबर नहीं ठहरता है। तो कैमरे के मामले में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, ZM फोन 1 बहुत बेहतर है Redmi 13 5G से। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।